चलिए कमेंट बॉक्स में आइए, कौन कौन आ गया। बैक टू क्लास। देखिए किस किस ने कमेंट किए। चेक कीजिए कौन कौन है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। कमेंट बॉक्स में आइए जल्दी से। वेलकम टू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे एग्जाम। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इसका पार्ट वन मैं आपको 8:30 के बैच में डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं पार्ट टू की बात करूँगी, जिसमें मैं दो टाइप डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट टू टाइप में नेक्स्ट आर में इस बार डिस्कस करूँगी। अब मैं बात करती हूँ अपने बारे में। मैं पारुल सिकरवर, पिछले 9 साल से मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रही हूँ और मैं 90,000 से ज़्यादा लर्नर्स को पढ़ाया है। और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आप लोग मुझे अनअकैडमी पे देख सकते हैं। अनअकैडमी को मुझे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने ऐप स्टोर में जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ मैं। क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, 12 मंथ की जो फ़ी है वो 6,000 रुपीज़ है। लेकिन जो आप मेरा एक कोड है लाइव PS, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फीस हो जाएगी 5,400। 12 मंथ की फ़ीस है 9,600। 10% डिस्काउंट के बाद आपको हो जाएगी 8,640। माई कोड इज़ अ लाइव PS, ओके। चलिए आगे चलते हैं। मैं इंट्रो दे चुकी कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है। जो नए अमित, हेलो, गुड इवनिंग, जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी उनको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ क्या कोडिंग डिकोडिंग होता है। देखो, जैसे हमने एप्पल को लिखा है, जल्दी आइए सब लोग और ऑनलाइन। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ठीक है। हेलो विकास, चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। जिन्होंने भी लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया उनके लिए, ए को उन्होंने कोड किया है बी से, पी को उन्होंने कोड किया है क्यू से, पी को कोड किया है उन्होंने क्यू से, एल को कोड किया उन्होंने एम से और ई को कोड किया उन्होंने एफ से, ओके, समझ आया। तो वो कह रहे हैं कि जिस मेथड, जिस लॉजिक, जिस ट्रिक से हमने इसको स्कॉल कोड किया है, सेम मेथड सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई हियर, ओके। तो उन्होंने क्या किया, ए के बाद बी आता है, पी के बाद क्यू, एल के बाद एम और ई के बाद एफ, सेम चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ओ के बाद पी, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, जी के बाद एच और ई के बाद एफ। तो ये कोड हो गया हमारा ऑरेंज का, इसको हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। हेलो विकास, अमित, गुड इवनिंग। चलिए अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन अवेलेबल है। अब ये बेसिक में डिस्कस कर चुकी हूँ अभी आपको पार्ट वन में। अगर आपने मेरी पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी एक बार जाके मेरे चैनल पे पार्ट वन की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ आएगा। और कुछ नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं देखी है, डोंट वरी, मैं उनके साथ दूसरे क्वेश्चन भी जो डिस्कस करूँगी मैं छोटा आप उनको आपको ओवरव्यू देती जाऊँगी कि कैसे सॉल्व होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है। एक कोड है हमारा, ड्रीम का कोड ये है तो चेंज का कोड क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। और किसी को आता है तो जिन्होंने मेरा अभी 8:30 वाली क्लास ली वो जल्दी से आंसर दो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। ड्रीम्स का कोड है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, चलो मैं एक बार नंबरिंग भी कर देती हूँ तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी उसे सॉल्व करने में। देखो नंबर के लिए आपको सोचना ना पड़े बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे याद करना है, अगर उनको फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। अब जल्दी से बताइए कि क्या कोड है।
क्विक, जल्दी से अमित सी आंसर, कब से क्लास होती है मैम? ओके आर पी एस एस साउंड नाइस मैम, थैंक यू। ओके अमित, मेरी क्लास का टाइमिंग है 8:30 PM एंड 10:30 PM। हेलो आकांक्षा, तो मेरी 8:30 बजे क्लास होती है हर रोज़ एंड 10:30 क्लास होती है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 4 है, यहाँ मुझे क्या नज़र आया 5 प्लस 1, ये 18 है, मुझे यहाँ क्या नज़र आया 17 माइनस 1, ये 5 है, यहाँ पे क्या नज़र आया मुझे 7 प्लस 2, ये 1 है, यहाँ पे मुझे नज़र क्या आया 25 माइनस 2, ये 13 है, यहाँ मुझे क्या नज़र आया 16 13 प्लस 3 16, ये 19 है, यहाँ मुझे क्या नज़र आ रहा है 16, सो 19 माइनस 3। क्या लॉजिक है देखो, +1 -1 +2 -2 +3 and -3, समझ आया सबको? ये लॉजिक है। तो उन्होंने बोला है चेंज का कोड क्या होगा, चेंज का कोड क्या होगा, सो 3 8 1 14 7 5 3 + 1 4, डी वो वैल्यू होती है 4 की, -1 7 7 किसकी वैल्यू होती है जी की, +2 किसकी वैल्यू होती है सी, 3 हो जाएगा, 3 किसकी वैल्यू होती है सी की, तो देखो डी जी सी, क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, बस ए ऑप्शन बचा और आंसर हो गया आपका 1। समझ आया सबको, आंसर हो गया आपका ए, डन, आंसर हो गया आपका ए, वेरी गुड साइकिया आकांक्षा अमित, वेरी गुड सुपर, चलिए समझ आया सबको ये वाला। नेक्स्ट, तो आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ये सिंपल कोडिंग का ही एग्जांपल है जहाँ पे +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसी चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, कौन आंसर देगा इसका, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है सिंपल कोडिंग का, ठीक है। कैटेगरी कुछ भी रख लो, कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि क्या आप क्वेश्चन देखने के बाद बना पा रहे हैं क्या। जल्दी से कोई आंसर देगा जल्दी से बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 30 सेकेंड टू एवरीवन, क्विक। अमित, यस टेल मी, गुड इवनिंग अमित, अमित मिश्रा, अमित कुमार, गुड इवनिंग अमित कुमार सीबीयू, वेरी, आंसर प्लीज जल्दी से, इनको सेकेंड आपको दे रही हूँ, क्विक। जल्दी से आंसर दो क्विक, चलिए मैं देती हूँ इसका। देखो आपको पता है वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं, सो हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 वोवल्स। तो वोवल्स को नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो जी की वैल्यू 7 है, 8 है, 5 है, 1 है, 20 है, 9 है, 20 है, ये 2 है, ओके, और ये 1 है और ये V है। तो देखो 7 + 2 9 इसे 18 + 2 20 20 + 2 22, हाउ दे विल गेट नंबर, देखो वोवल्स में ई का नंबर कौन सा है सेकंड, तो ई को सेकंड से कोड कर दिया। वोवल्स में ए का नंबर क्या है 1, तो ए को उन्होंने 1 से कोड कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, नंबर और लेटर्स को कंबाइंड किया, ओके, जहां वोवल्स को उन्होंने उसके नंबर, जो वोवल्स उनका नंबर है ना, ए का 1 होता है, ई का 2 होता है, आई का काउंटर 1 ए ई आई ओ यू, ओके,
ई का सेकेंड होता है तो ई को उन्होंने सेकेंड लिख लिया, ए का वन होता है तो ए को उन्होंने वन लिख दिया, और कॉन्सोनेंट में प्लस टू प्लस टू प्लस टू। ओके जूम करो, क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओके थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगी, वेट, मेरा हैंड राइटिंग हल्का तो छोटा वाला है, एक बार बड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ। चलो अमित रुको, मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके देखती हूँ, एक बार दिखाती हूँ तुम्हें कैसे होगा। तो उन्होंने पूछा है फर्स्ट का कोड क्या होगा, एफ आई आर एस टी, पहले चेक करो कितने वॉवल हैं, ओनली वन वॉवल है। आई की क्या वैल्यू है वॉवल में, थ्री, तो यहाँ थ्री लिख दो। एफ की वैल्यू क्या होती है, सिक्स, सिक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, एट, एट किसकी वैल्यू होती है, एच। आर की वैल्यू कितनी होती है, एटीन, एटीन प्लस टू ट्वेंटी, ट्वेंटी की वैल्यू कितनी होती है, एट्टी। एस की वैल्यू कितनी थी, नाइनटीन, नाइनटीन प्लस टू ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन इज अ यू, प्लस टू, ट्वेंटी प्लस टू आंसर हो गया वी, ट्वेंटी टू, तो हमारा ऑप्शन हो गया एच थ्री टी यू वी, एच थ्री टू यू वी ऑप्शन है हमारा सेकेंड, आंसर हो गया हमारा सेकेंड। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया, बस एक काम किया गया है, बस जो वॉवल्स की वैल्यू थी ना, वॉवल्स को नंबर के साथ कोड कर दिया, और नंबर भी वो वाले जो ए आई ओ को नंबर दिए गए, पांच हमारे पास वॉवल्स हैं, ए का पहला नंबर होता है, ई का सेकेंड, ई का सेकेंड, तो बस वॉवल्स को कोड कर दिया, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहुल नमस्ते, शिवम वेरी गुड आंसर इज बी, शिवम तिवारी सुपर, अमित कुमार सी बी ओ आपको नजर आ रहा है अभी, नहीं आ रहा तो बोलिए, बोलिए जल्दी से। ये क्वेश्चन देखिए, ये आ गया टाइप नंबर कोडिंग का, ओके जरा देखिए कैसे सॉल्व होगा, फटक से बताइए, क्विक जल्दी से बताइए कोई। ओके अमित, चलो अमित को दिखाई दे रहा, चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्रिक है इस क्वेश्चन में, देखो उन्होंने लिखा 1326 कोडेड इज है 8673 एंड 4550 कोडेड इज 4529। दे हैव आस्क्ड हाउ डिड यू कोड 0009। तो देखो उन्होंने क्या किया है, वन को क्या लिखा है, एट, थ्री को क्या लिखा है, सिक्स, टू को क्या लिखा है, सेवन, और सिक्स को क्या लिखा है, थ्री। यहाँ एक क्लू मिला हमें, देखो यहाँ पे एक छोटा सा 4529, ओके डन, इन्होंने फाइव को फोर लिखा है, फोर को फाइव, एक नंबरिंग की है, क्या नंबरिंग की है देखो। हाँ अमित, विजय कुमार ए, ओके शिवम तिवारी 9990 सुपर, आंसर इज 9990। अब देखो कैसे उन्होंने कोड किया है, उन्होंने कहा वन को उन्होंने कोड किया एट, टू को उन्होंने कोड किया सेवन, नो वन को कोड किया उन्होंने नाइन, वन को एट, सॉरी वन को एट, टू को सेवन, थ्री को सिक्स, फोर को फाइव, फाइव को फोर, सिक्स को थ्री, सेवन को टू, एट को वन एंड नाइन को जीरो। ये कोड किया, देखो ये कोड अच्छे से देखना, ओके वन को एट, टू को सेवन, थ्री को सिक्स, फोर फाइव, फाइव फोर, थ्री सिक्स थ्री, नाइन सेवन फोर, एट वन और नाइन जीरो। उन्होंने बोला है 1239 को किससे कोड करेंगे, तो देखो क्या कोड है 000 का, 000 का कोड है हमारे पास 999 और 9 का कोड क्या है 0, सो 9990, सो आंसर हो गया हमारा एक। ये सबको समझ आया, वेरी गुड राहुल, आई नो जो सबसे पहले आपका आंसर था 9990, यस मैंने देखा था, चलिए 999, वेरी गुड राहुल, शिवम, अमित, विजय, सुकन्या, नेहा, वेरी गुड सुपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, बैट का कोड ये है, टेक का कोड ये है, बैट का 9 है, टेक का 16 है, तो व्हाट विल बी द कोड फॉर द करियर। देखो एक छोटी सी ट्रिक है इसमें,
जब भी ऐसा हो बैट टेक करियर, ऐसे बड़े बड़े थोड़े लेटर्स हो जिसमें 4, 3, 2 लेटर्स हो, 5, लेकिन नंबर 1 या 2 हो, 9, 16, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनके नंबर ऑफ लेटर को काउंट कर लेते हैं। तो चेक करो कितने नंबर ऑफ लेटर है, 3। कितने नंबर ऑफ लेटर है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 60। करियर में कितने लेटर है, 2, 4, 6। 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो अब आंसर क्या हो गया आपका, 36। वेरी गुड राहुल, सुपर। सबसे पहले आंसर राहुल का आया सी, वेरी गुड राहुल चक्रवर्ती, नेहा, शिवा, आकांक्षा, सुपर, सुकन्या, वेरी गुड, वेल डन। समझ आ गया ना आपको? तो जब भी की ट्रिक है बस, जब नंबर छोटा 1 डिजिट या 2 डिजिट में हो और वर्ड बड़ा हो तो ज़्यादातर हम उनके नंबर ऑफ लेटर को काउंट करते हैं। कई बार नंबर लेटर को इंटू कर देते हैं, कई बार डिवाइड कर देते हैं, कई बार प्लस कर देते हैं, ये आप आगे जाके देखना, ठीक है? अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड विजय कुमार, अभय, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ओके, इनको तुम बाद में भी कर लेना, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है तो मैं कुछ नए टाइप क्वेश्चन करा देती हूँ जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है? एग्जाम में आजकल टाइप 2 के, अभी आपको मुझे लगता है सबको समझ आ गया टाइप वो वाला, अभी इस टाइप पे आइए, ठीक है? ये भी नंबर कोडिंग में ही आता है। देखो उन्होंने कहा 256 मीन यू आर गुड, 63 मीन्स वी आर बैड, 315 गुड एंड बैड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन दैट कोड। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में हमेशा पूछा। हेलो अरविंद, ओके अमित, दोबारा से एक्सप्लेन करो कौन सा वाला क्वेश्चन, जरा बता दो कौन सा वाला, मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना। अच्छा बैट वाला, अच्छा सुनो अरविंद यहाँ आके देखो, बैट में कितने लेटर थे, 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। टेक में कितने लेटर थे, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। करियर में कितने लेटर हैं, 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो आपको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, ठीक है? अगर आपको स्क्वायर नहीं याद हुए तब भी दिक्कत होगी, ठीक है? समझ आया हमें? देखो एक बार मैंने बताया है, दोबारा से चेक करो जल्दी से, मैंने एक बार और बताया है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझ में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाजू यहाँ टू फाइव सिक्स मीन्स यू आर गुड, 6, 3, 7 मीन्स वी आर बैड, 3, 5, 8 मीन्स गुड एंड बैड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड एंड इन दैट कोड। अब देखो वो पूछ रहे एंड का कोड क्या होगा, तो इसको देखो समझने की कोशिश करो ये क्या है। उन्होंने इनमें से कुछ कॉमन, देखो कुछ कुछ कॉमन मिलेगा आपको, क्या कॉमन मिलेगा देखो, फर्स्ट और सेकंड में 6 और 6 कॉमन है, तो इनके बीच एक कुछ वर्ड भी कॉमन होगा, वो क्या है, आर। तो 6 का कोड क्या हो गया, आर। हम ऐसे क्वेश्चन को कॉमन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है? वेरी गुड 8, सुपर, वेरी गुड पुष्पित, वेरी गुड, कम ऑन। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड में क्या कॉमन है, 3 और 3। तो अब 3 और 3 कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में कुछ कोड कॉमन होगा, वो कोड कॉमन क्या है, बैड। सो बैड और बैड कैंसिल हो गया और 3 और 3 कैंसिल हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड में देखो कुछ कॉमन है, क्या है, 5 और 5। तो देखो क्या क्या कॉमन है, गुड
और गुड क्या बचा, 8 बचा और एंड बचा, सो एंड का कोड क्या हो गया 8, आंसर क्या हो गया डी। वेरी गुड पुष्प्रीत, अमित, अभय, सुपर, अमित कुमार, राहुल, शिवम तिवारी, वेरी गुड, ओके कम ऑन। अभी देखो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड शॉर्टकट और बताती हूँ, इसकी छोटी सी शॉर्टकट, डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड से कर लो, नो नीड राइट, ओके राइट लिखने की जरूरत नहीं है। वो कैसे करो, 256 यू आर गुड को गुड, 637 वी आर बैड, 358 गुड एंड बैड। उन्होंने किसके बारे में पूछा, एंड के बारे में पूछा, तो किसको पकड़ो जिसमें एंड है, ओके इसको पकड़ो जिसमें एंड है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, गुड एंड बैड, अब चेक करो ये गुड कहाँ कहाँ दे रखा है, गुड फर्स्ट लास्ट में दे रखा है और गुड फर्स्ट में दे रखा है, ओके आप देखते हैं बैड कहाँ पर है, बैड थर्ड में दे रखा है और बैड सेकंड में दे रखा है, ये रहा सेकंड में, बेड यहां दे रखा है, बेड यहां दे रखा है, तो गुड से गुड कैंसिल हो गया, बेड से बेड कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है हमारा एंड, एंड हमारा कहीं नहीं दे रखा, तो यहां भी एक ऐसा कोड होगा जो कहीं नहीं दे रखा, देखो 5 भी दे रखा है, 8 भी दे रखा है, सॉरी ना 8 नहीं दे रखा, 3 दे रखा, 3 भी दे रखा है इसमें, तो बचा क्या 8 बचा, तो हमारा कोड क्या हो गया 8। डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, अभी थोड़ा क्वेश्चन मैसी हो गया, रुको नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक को दोबारा बताऊंगी तो आपको समझ आएगा, ठीक है ओके शिवम मैं जल्दी करती हूँ, चलिए ठीक है, मुझे लगा कुछ बच्चे नए, अच्छा इसे देखो जल्दी से आंसर बताओ, मैं जल्दी बताती हूँ, कम ऑन क्विक, ए इज कोडेड एज ए, बी इज कोडेड एज 3C, क्विक शिवम, ठीक है मैं जल्दी से बताती हूँ, सी इज कोडेड एज 5, आंसर प्लीज जल्दी से दो, देखो इसमें ट्रिक है छोटी सी मैं बताती हूँ, मैंने आपको बताया था ए से लेके एम तक फर्स्ट हाफ होता है एंड एन से लेके जेड तक सेकेंड हाफ, उन्होंने बोला है ए को 1 से कोड किया, बी को 3 से कोड किया, सी को 5 से कोड किया, डी को उन्होंने 7 से कोड किया, तो ये ऑड नंबर लिए और सेकंड में उन्होंने क्या लिए इवन, ओके तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ नए बच्चे हैं इसलिए, आई जे के एल एम, ओके देखो 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 and 25, ओके तो अब यहीं पर क्या होगा, एन टू एन उनने इवन लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ओके ये लिए, अब उन्होंने बोला इंग्लिश का कोड क्या होगा, तो देखो ई का कोड क्या है 5, एन का कोड क्या है हमारे पास 2, जी का कोड क्या है हमारे पास, जी का चेक कर दो, यहाँ लिख रखा है मैंने जी का 13, सबको ऐड करना है आपको जी का 13, एल का दे रखा है उन्होंने 23, ओके आई का दे रखा है उन्होंने 17 आई का दे रखा है, एस का दे रखा है उन्होंने 38 एंड एच का दे रखा है उन्होंने 15, चेक करो जल्दी से ऐड करके बताओ क्या एडिशन है इसका, एडिशन बताओ जल्दी से 5, 2, 13, 23 क्विक, सभी लोग क्विक जल्दी से बताओ एडिशन क्या होगा,
एडिशन तो कर ही लो, मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ। हाँ शिवम, ओके, एनीवन एल्स? शिवम के अलावा और कोई आंसर? अरे ये किसी को समझ ना आया तो देखो बता देती हूँ मैं, कुछ बच्चे बाद में कंप्लेन करेंगे कि हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए देखो एन ओ पी क्यू आर एस, वेट हमसे एक छोटे से गलती है, एस का वैल्यू 14 है, एस का वैल्यू 14 है, 14 अब ऐड करो, जल्दी से ऐड करो, एस का वैल्यू 14 है, 38 लिखा गलती से, चेक करो एक बार। आंसर प्लीज, एडिशन इज 89, एडिशन इज 89, चेक करो एडिशन में कोई गलती तो नहीं है, जल्दी से चेक करो एडिशन 89 इज अवेलेबल है कि नहीं, क्विक। कोई डाउट है इसमें? किसी को ये डाउट है? 135 उन्होंने क्या किया, देखो सुनो अच्छे से समझो, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ए टू एम क्या होता है? फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट को उन्होंने वन ऑड नंबर दिए और आपको याद होने चाहिए 1 3 5 7 9 11, जिससे आपको हर बार सोचना ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद इवन नंबर 2 4 6 8 12 14, तो ये आपको सोचना ना पड़े क्या होगा, तो एस का वैल्यू हो गया 14, सबको ऐड करके बताओ आंसर होगा नन ऑफ दीज, वेरी गुड आंसर है नन ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आंसर बताओ उसका क्विक क्विक। वीडियो मेरी दिखाई नहीं दे रही क्या? चेक करो सब लोग, वीडियो दिखाई दे रही है कि नहीं, चेक करो जल्दी से, कोई वीडियो में दिक्कत है क्या? मुझे मैसेज आ रहा है कि वीडियो दिखाई नहीं दे रही है। ओके टाइम होने वाला, अच्छा चलो टाइम होने वाला है तो मैं दूसरा टाइप डिस्कस कर देती हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब फ़ायदा नहीं होगा, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन जल्दी से टाइम डिस्कस करती हूँ वरना टाइम अप हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अक्सर एसएससी में पूछा जाता है और इसमें छोटी सी ट्रिक है, ये आ जाओ ठीक है, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता दी आपको, एक बार यहाँ आ जाते हैं टाइप 4 में, जिससे मैं सारे टाइप डिस्कस कर दूँ। ओके चलो इधर आ जाओ जल्दी से, यहाँ आ जाओ, क्योंकि वो आप समझ जाओगे, वो मैंने टाइप बता दिया आपको, ये टाइप समझो। देखो उन्होंने पूछा है ब्लू इज कोडेड एज ग्रीन, ग्रीन इज कोडेड एज अ वाइट, वाइट इज कोडेड एज ब्लैक, एंड व्हाट विल बी द कोड फॉर कलर फॉर द ग्रास। ओके अब देखो इसका छोटा सा ट्रिक देखना, ये कई बार दो फॉर्म में पूछा जाता है, ब्लू कॉल्ड ग्रीन और पूछा जाता है ग्रीन कॉल्ड, नहीं ब्लू कॉल्ड ग्रीन एंड ब्लू मीन ग्रीन, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडेड भी पूछा जाता है। तो देखो ग्रास का कलर क्या होता है हमारा? ग्रीन, और ग्रीन को क्या कोड किया गया है? वाइट, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? वाइट, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, आपका पहला आंसर भी ठीक था 20 और ये भी, वेरी गुड सुपर्ब शिवम। ओके वो क्वेश्चन टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं डिस्कस नहीं किया, सोचा नया टाइप डिस्कस कर दूँ। देखो यहाँ पर आओ, जब भी ब्लू कॉल्ड लिखा होगा कॉल्ड, जब भी कॉल्ड की बात होगी हम हमेशा फॉरवर्ड मूव करेंगे, और जब भी मीन लिखा होगा हम बैकवर्ड जाएंगे। अगर लिखा है यहां देखो अच्छे से, लिखा है ए कॉल्ड बी एंड बी कॉल्ड सी, तो अब उन्होंने पूछा है सी को हम व्हाट विल बी कॉल्ड बी, तो हम कॉल्ड के लिए हम हमेशा आगे जाते हैं, लेकिन अगर लिखा है ए मीन, ये बहुत ध्यान देने की बात है,
बच्चे अक्सर ध्यान ही नहीं देते इस पे। बी मीन सी, तो देखो मीन का मतलब होता है बैकवर्ड। अगर वो पूछते इस वाले क्वेश्चन में, मीन वाले में, व्हाट मीन ऑफ बी, सो बी का मतलब होगा ए। अगर वो पूछेंगे व्हाट बी कॉल्ड, देन आंसर होगा सी। कॉल्ड में हमेशा फॉरवर्ड जाएंगे और मीन में हमेशा बैकवर्ड जाएंगे। प्लीज बात को जॉट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर टू को, ठीक है। फिर इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे सॉल्व करोगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। जल्दी देखो क्विक। देखो यहाँ आते, चलिए, उन्होंने कहा ये सब ब्लैक कॉल्ड वॉलेट, वॉलेट कॉल्ड येलो, येलो कॉल्ड रेड, रेड कॉल्ड ब्लू, ब्लू कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज कॉल्ड वाइट, ओके। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब सबको पता है ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। रेड को उन्होंने क्या बोला है, ब्लू। सो आंसर क्या हो गया हमारा, ब्लू। सो आंसर इज बी। समझ आया, तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कॉल्ड है, मीन है, कॉल्ड होगा तो, कॉल्ड होगा तो आपको आगे की ओर फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा कॉल्ड, और अगर मीन लिखा है तो आपको बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। वेरी गुड शिवम काव्या, वेरी गुड, कम ऑन नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, क्विक, हु विल गिव द आंसर फर्स्ट, क्विक चेक करो कितनी जल्दी आप इसको आंसर दे सकते हो। वेरी गुड सुकन्या, ब्लू आंसर। चलो देखते हैं कैसे होगा, पहले पढ़ो नीचे, पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कॉल लिखा हुआ है, फिर पढ़ो व्हाट दे आर आस्किंग, नो नीड टू रीड द होल क्वेश्चन, ओके। नीचे पढ़ो, देन वेयर विल स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो कहाँ वो प्ले करते हैं, प्ले ग्राउंड में, ओके। प्ले ग्राउंड को क्या कहा है उन्होंने, हॉल। आंसर क्या हो गया आपका, हॉल। समझ आया कि नहीं, वेरी गुड सुपर शिवम काव्य प्रसून, वेरी गुड सुपर। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास टाइम नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, क्या करेंगे, बस नीचे देखो कि क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि ये क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, फिर ये देखो कॉल्ड है कि मीन है, कॉल्ड है तो आगे बढ़ेंगे, प्ले ग्राउंड को ढूंढो और प्ले ग्राउंड को क्या कहा गया है, हॉल कहा गया है, और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बैंक, SSC, रेलवे, हर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, क्विक चेक करो, वही पुरानी वाली ट्रिक अप्लाई करना। लास्ट का पढ़ो, लास्ट में क्या दे रखा है, Who will teach? So teacher is teaching, okay? Who is teacher teaching? Teacher. What the teacher is called? Teacher called table. So answer क्या है? Table. Superb Shivam, Kavya, Prasoon, Shivam, very good. Table is answer. Superb. Now you people learn the trick. Just last में पढ़ो और देखो उसका mean क्या है, और उसको अगर called है तो आगे जाओ और mean है तो backward जाओ, okay? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से क्विक, जल्दी से, बस वही करो, लास्ट का पढ़ो। विच ऑफ द मॉडर्न माउस इज कॉल्ड मॉडर्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टाइप, हम टाइप के लिए क्या यूज करते हैं, देखो क्या यूज करते हैं हम टाइप के लिए, कीबोर्ड, और कीबोर्ड को क्या बोला है, प्रिंटर, तो आंसर क्या हो गया, प्रिंटर। सुपर शिवम, प्रिंटर डी ऑप्शन, प्रसून वेरी गुड, वेरी गुड प्रसून, प्रिंटर काव्या वेरी गुड, सुपर आकांक्षा डी आंसर, सुपर। अब हुई ना फर्स्ट, अब यहाँ पर आज मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई, ठीक है, टाइम भी मेरा अप हो गया। अब बाकी लोग सब लोग मुझे ये बताएं कि कल मैं आपके साथ लेके आ रही हूँ क्वेश्चन के सेट, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके साथ सॉल्व करूंगी, जो आपको SSC एग्जाम सॉल्व, कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें,
10 to 12 मिनट में कैसे हम 25 क्वेश्चन को डील करें, ये सब मैं वहाँ डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट 10:30 क्लास में और 8:30 क्लास में वो टॉपिक भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। कल मिलते हैं 8:30 और 10:30, माई टाइमिंग इज एवरी डे सेम। गुड नाइट शिवम, प्रसून, चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ कॉमेंट एंड लाइक इट। डीआरडीओ कब का एग्जाम है आपका, सिर्फ हम गली से बताओ, मैं पूरा वीडियो बना दूंगी टिप्स पे, डोंट वरी, डेट लिख दो। हेलो आइडियल साइंस, हेलो, आप थोड़ा लेट आए हो, कम ऑन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट एंड कमेंट। चलिए बाय बाय। शिवम मुझे टिप्स बताओ एग्जाम कब है, उसके अकॉर्डिंग मैं टिप्स दे दूंगी, डोंट वरी, उसे पूरा वीडियो बना दूंगी टिप्स पे, ठीक है शिवम। चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ो कब का एग्जाम है, मैं कमेंट बॉक्स में मिलती हूँ आपको, बाय बाय, गुड नाइट।